तमु के साथ देखे थे वीडियो को गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सब आखिर नमस्कार सबको। स्वर्ण दुर्गा ब्लॉग में आप लोग सभी का स्वागत है। इनफैक्ट सुबह में आने वाला था लेकिन नहीं आ पाया। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड व्यू ऑल द वीडियोस आई एम अपलोडिंग विथ। तो फाइनली हम लोग इंदौर पहुंच गए। थोड़ा पहुंचने वाले थे, हमारा जो फ्लाइट का टाइमिंग था 3:30 बजे, लेकिन थोड़ा मानसून यहाँ पर ख़राब था इसलिए वो भोपाल चला गया फ्लाइट, तो बहुत मुश्किल हो गया था। तो भगवान की कृपा से हम लोग फाइनली 1 घंटा शायद लेट पहुँचे हम लोग। तो सुबह हम लोग निकले, घर से निकले, भुवनेश्वर जो बिजू पटनायक हमारा एयरपोर्ट है वहीं पर पहुँचे। फ्लाइट हमारा था सुबह 8:30 बजे। फिर हम लोग हैदराबाद सही टाइम पे पहुँच गए। फिर हैदराबाद से हमारा फ्लाइट था इंदौर के लिए लगभग 2:30 बजे। तो हमारा जो ले ऑफ टाइमिंग था अराउंड 3 घंटे का ले ऑफ टाइमिंग था, वहीं पर थोड़ा हम लोग घूमे फिरे। अच्छा, मुझे एक चीज़ पता नहीं था, बिकॉज फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग टू ए डेस्टिनेशन थ्रू ए कनेक्टिंग फ्लाइट। सो मैं सोच रहा था कि शायद मेरा लगेज मुझे वहीं पर मिल जाए हैदराबाद में, लेकिन वो डेस्टिनेशन उनका एक अच्छा उनका पॉलिसी है कि पॉइंट टू पॉइंट अपना जो लॉगेजेस होते हैं, सामान होते हैं, वहीं पर आपको पिक करना पड़ता है। एनी हो थोड़ा वेट करें, फिर फ्लाइट आया अराउंड 1:40, 1:45 में बोर्ड किए वहीं हैदराबाद से। रास्ते में क्या हुआ, वी वेर अबाउट टू रीच इंदौर, बट पता नहीं यहाँ पर शायद मानसून ख़राब था, कुछ बारिश हो रहा था, कुछ थंडरस्टॉर्म था, इसलिए फ्लाइट को परमिशन नहीं मिला यहाँ पर लैंड करने के लिए। और इतना टर्बुलेंस हुआ कि मतलब सारे लोग घबरा गए, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, क्योंकि मैं सुबह से मिस्टर बीन का वीडियो देख रहा था एंड आई वॉज प्रिटी इंजॉइंग अ लॉट और इतना हंस रहा था। लेकिन उस आधे घंटे में मेरा दिमाग पूरा ख़राब कर दिया पूरा। उस सारे भी जितने भी फेलो पैसेंजर्स थे वो भी, किसी का उल्टी हो गया, किसी का तबीयत ख़राब हो गया, दे वर वेरी शॉक्ड। तो हम लोग पहुँचे भोपाल पहुँचे, तो भोपाल में 1 घंटा फ्लाइट रुकी वहीं पर। फिर अभी हम लोग इंदौर फाइनली पहुँचे एंड अभी हम लोग होटल जा रहे हैं। अब हमारे साथ जो भैया है, भाई आपका नाम क्या है? सुभाष। सुभाष भैया है एंड जिन्होंने हमें अभी पिक करके ले जा रहे हैं होटल पहुंचने में मदद करेंगे हमारे। एंड बाकी
मेरा ये पहला विजिट है इंदौर में, इनफैक्ट इन एमपी स्टेट में, और आने का मकसद वेरी मच क्लियर है। मेरा एक पूजा है, जो मेरा प्लानिंग है अभी, क्या महाकालेश्वर पहला तो दर्शन उज्जैन में करूँगा, जो मेरा प्लानिंग कल है, वहीं पर एक पूजा होगा मेरा, फिर दो तीन वहीं पर जो भी मंदिर वगैरह है और कुछ साइट सीन है वहीं पर हम लोग घूमेंगे। और मैं जो भी होटल लिया हूँ इंदौर में ही लिया हूँ, तो मुझे डेली अप एंड डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो होटल मिला बहुत सस्ता में मिल गया। अब पता नहीं, पहले टाइम यहाँ पर विजिट कर रहा हूँ, होटल का क्या दाम रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्योंकि ओयो के थ्रू मैंने बुक किया। एक बार आप लोग होटल पहुँचे कि मैं दिखा दूँगा कैसा रूम है, क्या उसका तारीफ है, क्या उसका डिस्काउंट मुझे मिला है, सब कुछ मैं बोल दूँगा आपको। बट इट इज़ अ वेरी मच यू नो प्लेजर ट्रिप एंड एज वेल एज स्पिरिचुअल ट्रिप। एंड यहाँ का जो जो क्लाइमेट है बहुत प्लेजेंट क्लाइमेट है, इतना गर्मी भी नहीं है अभी इंदौर एज ए सिटी, आप देख सकते हैं। होपफुली आप लोगों ने आज होली बहुत अच्छी तरह मनाया होगा। दोबारा आपके साथ बात करूँगा।